हाँ, इतनी 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 बनवाओगे तो खाओगे ही ना, पेट पे बांध दूंगा, नहीं खाओगे तो। क्या बोल रहा है मामू? आप तो आपने आग लगा दी, मैक्रोनी देख रहे हो? मैं तो ना बर्गर भी बनाने लग गया हूँ। खाना किसे ना बोल दो। नहीं, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर बगा किचन, और मैं हूँ सुमित। आज मैं आपको चीज़ी एंड सूपी पास्ता की रेसिपी देने वाला हूँ। बहुत टाइम से आप लोग सब इसकी रेसिपी डिमांड कर रहे थे, जब से मैंने व्लॉग में अपनी दीदी को ये वाला पास्ता खिलाया था। तो चलिए आज हम यही वाला पास्ता सीखते हैं। इसके लिए मैं चार तरीके का पास्ता ले रहा हूँ, आधा आधा कप। ये है भैया बीटरूट वाला पास्ता, ये है किड्स पास्ता, और ये है स्पिनच पास्ता यानी कि पालक वाला पास्ता, ठीक है। और सबसे पहले वाला जो पास्ता था वो तो आपने देख ही लिया है। सारे के सारे पास्ते मैंने मैदे वाले बिल्कुल भी नहीं लिए, आटे वाले लिए, ठीक है, बिल्कुल ही हेल्दी है। अब हमने लेना है 1.5 से 2 लीटर पानी, एकदम ही बॉयलिंग पानी जिसमें बॉयल आ रहा है, उसमें हमने अपना सारा का सारा पास्ता डाल देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर में 7 मिनट तक इसे पकाना है। इसके अंदर में 1 टीस्पून सॉल्ट भी जाएगा, लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल भी जाएगा। अच्छे से इसे बस मिक्स करना है, बस अच्छे से इसकी आपने मिक्सिंग कर देनी है ताकि ऑयल एंड नमक अच्छे से हर एक जगह पर, हर एक पास्ता के ऊपर में लग जाए, हर एक पीस के ऊपर में लग जाए, ये आपको मेक श्योर करना है। उसके बाद में बस आपने 7 मिनट तक वेट करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर में बॉयल इसका आने देना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, बॉयलिंग पानी में ही पास्ता को डालना है। अब अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं, स्ट्रेन यानी कि इसे छन्नी में डाल के इसे छान देते हैं, इसका पानी निकाल देते हैं, पास्ता अलग कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, पास्ता के ऊपर में ना ठंडा पानी डाल देते हैं, उससे उसका स्टार्च ख़त्म हो जाता है, और स्टार्च हमें ख़त्म नहीं करना है। इस रेसिपी में स्टार्च की ज़रूरत है हमें, अगर स्टार्च नहीं होगा पास्ता में तो वो अच्छे से सूपी नहीं बन पाएगा और पास्ता का टेस्ट भी नहीं आएगा। अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए जैसे कि सब्जियाँ। पास्ता की सॉस बनानी है ना कि नहीं बनानी है, तो उसके लिए ये सारी सब्जियाँ हैं, गाजर है, स्वीट कॉर्न है, खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, ये सब कुछ कितना कितना है, 1 टी कप है। चाय वाला जो कप होता है उससे मैंने नापा है, 1 टी कप है सब कुछ, हर एक चीज़ 1 टी कप। और लहसुन है यानी कि गार्लिक और ग्रीन चिली, ग्रीन चिली एक ही पीस है, गार्लिक हमारे पास में लगभग 15 से 20 पीस है। और रोस्टेड चिल्ली फ्लेक्स है, इजी लाइफ ब्रांड का है, ओरिगेनो भी है। इस ओरिगेनो का टेस्ट बिल्कुल डोमिनोज वाले ओरिगेनो के टेस्ट के जैसा लगता है, ये दोनों का कॉम्बो आता है, सस्ता पड़ जाता है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और साथ में हमें चीज़ भी चाहिए इस रेसिपी में, और इन दोनों का इजी लाइफ वाले का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये वाली कढ़ाई का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अपनी कढ़ाई का हाई फ्लेम के ऊपर में अभी रखें, अब इसके अंदर में ऑयल डालें थोड़ा सा। मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ हमेशा करता हूँ हर एक रेसिपी में, ज़्यादातर ऑयल तो हमने डाल दिया। अब इसके अंदर में हमने बटर डालना है, बटर मैं गार्लिक एंड हर्ब वाला बटर ले रहा हूँ, अमूल का आता है, लेकिन इसका लिंक आपको नहीं मिल पाएगा। ये 3 बड़े चम्मच हमने लगभग इसके अंदर में बटर लेना है, बटर को अच्छे से पिघला देना है। अब अपनी सारी की सारी सब्जियाँ इसके अंदर में डाल देनी है, जिसमें कि स्वीट कॉर्न है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, प्याज है, और क्या था, गाजर है, ठीक है। सॉरी मैं भूल जाता हूँ। अब इसे हमने सौते करना है, अभी हमारी हाई फ्लेम है, हाई फ्लेम के ऊपर में 2 मिनट तक बस हमने इसे सौते करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही पकी हुई सब्जियाँ चाहिए तो आप उससे तीन चार मिनट आप पका लेना, लेकिन बिल्कुल ही पकी अच्छी नहीं लगती है। अब हमने कढ़ाई में से अपनी सब्जियों को बाहर निकाल लिया है, दैट्स इट। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब सेम कढ़ाई लेते हैं, इसके अंदर में फिर से वही चीज़ करनी है, फिर से ऑयल डालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके अंदर में बटर डालना है, लगभग 3 बड़े चम्मच बटर। और आपको मैं बता दूँ, ये 2 कप जो पास्ता है, इतनी सारी सब्जियाँ, ये इसलिए क्योंकि ये हमारा डिनर है, मैं हैवी क्वान्टिटी में बना रहा हूँ, लगभग 6 लोग इसे आराम से खा सकते हैं एज अ स्नैक्स, ठीक है। और ऐसा अगर पेट भरने वाला खाना है तो लगभग 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। अब इसके अंदर में अपनी ग्रीन चिल्ली डाल देते हैं और गार्लिक को डाल देते हैं। अब इसे हमने अच्छे से जी सौते कर लेना है,
ज़्यादा नहीं, हाई फ्लेम के ऊपर में है इसलिए ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, बस इसे गोल्डन कर ले काफ़ी है। उसके बाद में इसके अंदर में 3 बड़े चम्मच मैदा डाल देना है। अच्छे से इसे हमने पकाना है। आप मैदा की जगह पे आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे सूपी पास्ता तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। 3 बड़े चम्मच आटा में नहीं बन पाएगा, आपको 4 से 5 बड़े चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप देख लेना, रेसिपी में चेंज का मतलब होता है कि कंप्लीट रेसिपी चेंज हो गई, फिर उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं होती। अब इसे हमने अच्छे से भूनना है, मैदे को इस ऑयल के अंदर में, बटर के अंदर में अच्छे से इसे भूनना है। अच्छे से एकदम ब्राउनिश हो चुका है, अब इसके अंदर में दूध जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसके अंदर में दूध डालना है, एक ही बार में सारा नहीं उड़ेल देना है। अभी मैंने आधा कप इसके अंदर में दूध डाला है, ठीक है, धीरे धीरे करके डालेंगे तो ज़्यादा लम्स नहीं पड़ेंगे, एक ही बार में डाल देंगे तो बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे, ऐसे लम्स जो आपके ठीक ही नहीं होगी फिर वो, ठीक है। ये देखिए मैंने धीरे धीरे इसमें डाला है, अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। अब इसमें फिर से हम दूध डालेंगे, अभी 1 कप इसके अंदर में गया था, अब 1 कप और इसके अंदर में अभी गया है दूध। अब आप एक विस्कर भी ले सकते हैं, आपके पास में सिलिकॉन का विस्कर है तो ज़्यादा अच्छा है, नॉनस्टिक कढ़ाई में, मेरे पास में नहीं था तो मजबूरी में स्टील आज मुझे टच करना पड़ गया नॉनस्टिक पैन में, नहीं तो मैं कभी भी स्टील को टच नहीं करता हूँ इसमें। अब जी अच्छे से हमने सबको मिक्स कर लिया है, हाई फ्लेम पर है, हाई टू मीडियम ही आपको रखना है, या मीडियम पे रख लो या हाई पे रख लो, ठीक है। अब इसके अंदर में अपनी सब्जियों को डाल दो, ताकि ना साथ साथ में पकता भी रहे, अपनी फ्लेम को इस तरीके से रखना है कि हमारी सॉस अच्छे से पकती भी रहे बीच बीच में, ठीक है ना, एकदम ही लो नहीं कर देनी है। अब इसे हमने मिक्स कर दिया अपनी सारी सब्जियों को, दैट्स इट। अब इसके अंदर में पास्ता जाएगा, पास्ता को भी इसके अंदर में डाल दे। आज मैं कुछ जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्या, कमेंट करके बताओ, अगर आज मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो फिर अगली बार से स्लो बोलूँगा। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, अपने पास्ता को, सब्जियों को, सॉस को, अच्छे से बस आपने इसे मिक्सिंग कर देनी है। पास्ता भी पका हुआ है, सब्जियाँ भी हाफ कुक्ड है, अच्छे से बस आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। बस हमने सॉस को ही पकाना था जो कि पक ही चुकी है, और फिर से इसके अंदर में 1 कप दूध गया है, लगभग 3 कप दूध इसमें गए हैं। अगर आपको ज़्यादा सूपी चाहिए तो 3.5 से 4 कप दूध भी इसके अंदर में जा सकता है। अब इसके अंदर में चिली फ्लेक जाएंगे, मैं 1/2 टीस्पून का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटल का जो मुँह है वो छोटा है, इसलिए इसके अंदर में 3 बार मैंने डाला है 1/2 टीस्पून से, टोटल हो गया 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ओरिगैनो, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ठीक है, 1.5 टीस्पून ही सॉल्ट इसके अंदर मैं डालूंगा, क्योंकि हिमालयन सॉल्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। आप इसके अंदर में 1 टीस्पून डालें, उसके बाद में चेक कर लें 1 टीस्पून। अब इसके अंदर में ब्लैक पेपर भी हमने डाली है, ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो मत डालें, मन है तो डाल लें, ठीक है। वैसे ये बहुत ज़्यादा कोई तीखी नहीं बनी थी, हमारे घर पे आरव ने भी खाई है, मेरा जो भांजा है 8 साल का, उसने भी इसे खाई है, उसे टेस्टी लगी है। और नमक का एक चीज़ का ध्यान रखना, 1.5 टीस्पून मैंने डाला है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से डालना। दैट्स इट, अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर में मैंने बनाई है, सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अब अपने पास्ता को निकाल लें, सब कुछ अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। अगर आप सोचेंगे ना कि इस पास्ता में बॉयल आने का हम वेट करेंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बॉयल इसमें नहीं आएगा, बल्कि आपकी सॉस पूरी सूख जाएगी, ठीक है। तो हाई फ्लेम के ऊपर में या मीडियम फ्लेम के ऊपर में रख के इसे पका लें। और ये देखिए चीज़ स्लाइस अब मैंने इसमें लगा दिया है, पहले थोड़ा सा पास्ता फिर चीज़ स्लाइस। कैसा लग रहा है फिर पास्ता, लग रहा है ना चीज़ी एंड सूपी, जी हाँ, और ढेर सारी सब्जियों से भरा हुआ, ठीक है। इससे भी हमें, मतलब मैदे से जो हमें नुकसान होने वाला है उसका हमें फ़ायदा मिल जाए सब्जियों का, ठीक है, बराबर मैंने कर दिया। मम्मी देखो दोबारा लेके खा रही है, बढ़िया है, इन्जॉय। गाइस सॉरी, आज मुझे भूख लगी थी, मैं व्लॉग ही नहीं मैंने शूट किया, मैं भूल ही गया, मुझे लगा कि ये तो मेरी रेसिपी है। देखते हैं दीदी क्या कर रहे, अरे कहाँ गई बे, ओ तेरी ये खा पी भी ली, चलो मैं भी तो खा पी लिया, ये है ही नहीं यहाँ पर, देखो ना ऐसे अपना लगा के रखती है दीदी, लगता है ना वॉशरूम में। आ गई तू,
किवें दी लगी पास्ता? मैंने खा ली तुम्हारी। अरे ये रही इसकी प्लेट। सॉरी यार, मतलब तुझे क्यों सॉरी, मुझे बैठ यार, मैं भूल ही गया, मुझे ऐसा लगा ना। और है? हाँ? बहुत बनवाई थी मम्मा ने, पता नहीं आज मुझे ऐसा ना, मेरे हेडेक हो रहा था। आज मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मैं हलवाई वाली बना रहा हूँ, इतनी सारी। मेरा हो रहा था हेडेक, मैं बनाने में 2 घंटे टाइम था, मेरा मन नहीं था, मैं फोन पकड़ू एडिट कुछ करूँ। गाइस मेन टाइम पता है, बनाने में नहीं लगता है। मैं सो गई और उसके बाद फिर अभी मम्मी आए, मैं उठी, मैंने खाया एंड टेस्टी लगी। मैंने भी नहीं शूट किया। तेरा और खाने का मन है? हाँ, मैं नीचे चल रही हूँ, चलो मैंने चाय भी खाने। सात प्लेट ले अनु, क्यों चक दी भी है? सिंक हाँ सारी एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ। क्या बोल रहा है मामू? आप तो आपने आग लगा दी, मैक्रोनी देख रहे हो? ये अरब की प्लेट है, एकदम चमचमाती। क्या यार जूठी प्लेटें दिखानी पड़ रही हैं, अच्छा भला मैं व्लॉग बना लेता। अरे यार मेरे को ना भूख लग गई थी यार, सॉरी यार। अब तू मैंगो खा रहा है? हाँ। स्वाद लगी तेनु पास्ता यार? नहीं फिर अगली बार तो कुछ और बनाऊंगा ना, साथ साथ दस दे भाई। ये पास्ता बहुत टेस्टी था। नहीं नहीं कैमरा मैं ना बंद कर देता वे, साथ साथ दस दे, कैमरा बंद करता वे, मैं तो अपनी वीडियो देखता पे। अच्छा अच्छा अच्छा, टेस्टी है, लेकिन टेस्टी है। सच्ची टेस्टी है। हाँ। गाइस देखो इसे मैंने बोला कि कैमरा मैंने बंद कर दिया। और इसे फिर मैंने बोला कि सच सच अब बता दे कैमरा बंद है, तो अब भी इसने यही बोला कि टेस्टी है, मतलब चलो मेरा जीवन सफल हो गया। इन्हें सारी खा के खाली प्लेट आ देख देती है। मैं तीन वाली दे, थोड़ी थोड़ी लेती होनी है ना, एक बारी पहला ज्यादा सारी पा ले। जिन्नी मेरी पाई से सारे डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आजकल गाइस मेरी मम्मी ने एक्सरसाइज की वीडियोस वगैरह डालती है अपने इंस्टाग्राम पे, तो मेक श्योर आप इन्हें फॉलो करते हो अगर आपको एक्सरसाइजेस की वीडियोस अगर आपको चाहिए। आरव मैं बात अभी कर रहा हूँ बेटा, अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, ये पोकेमोन देख लेना। क्या पोकेमोन ही है ना, देख लेना, रुक जा सबर रख, आधे घंटे देख रहा तू टीवी। मम्मा सच्ची टेस्टी लग गई। मम्मा यार अब से आप ना मेरे को याद दिलाया ना व्लॉग बनाना। मेरे दिमाग में पता है क्या था कि मैं रेसिपी शूट कर रहा हूँ, आदत है ना रेसिपी बनाता। थोड़ा सा मैंने किया है, पर मैं मुझे वो जो वही वाली क्लिप्स ना मेरे को देना, चॉपर के ऊपर जो तूने सब्जियां रखी थी ना वो थोड़ी टेंप्टिंग लग रही थी, देखने से लग रहा चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। मैं भी घबरा गया, मैंने तो आज चाकू से सारा को काटा है, मम्मी चॉपर क्यों बोल रही है? मैंने 1 घंटा लगा के सब काटा है। तू समझ गया ना? मुझे इतना नहीं आता क्योंकि हमें। हाँ गाइस मैं कहां पर था, मैं था इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे मेक श्योर करो कि आप मेरी मम्मी को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको डाइट की रेसिपीज तो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। एक्सरसाइजेस वगैरह ना आजकल मम्मी बहुत ज़्यादा उधर डालने लगी है, एक्टिव हो गई है, मतलब पहले इतनी नहीं थी। मम्मी को भी अब लगता है नया नया शौक। शौक नहीं, जिम जाती थी ना। जिम तो मम्मी कितने 8-10 साल तो हो गए आपको जिम में? जिम बंद हो गया, घर पे एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में करती हूँ। और आपको बता दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है, मम्मी जिम में ट्रेनर भी है। मतलब ऑफिशियली ट्रेनर नहीं है, पैसे नहीं लेती है जिम में, लेकिन सबको ट्रेनिंग यही देती है, अपनी सारी फ्रेंड्स को। आंटियों सभी आंटियों से पूछते हैं ना, जो जो आपकी फ्रेंड है वो भी तो देखती है। आंटी जी आप लोग बताओ मेरे को, सच सच मैं बोल रहा हूँ ना, कमेंट करो। हाँ सब कुछ, तो फिर आप मेक श्योर करो कि आप मम्मी को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर रहे हो, उनकी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो। मम्मी ऐसे कर रहे एक बार। ये देख लो मैं खा चुकी हूँ तीन बार। हाँ इतनी बनवाओगे तो खाओगे ही ना, पेट पे बांध दूंगा, नहीं खाओगे तो। खाया है जबरदस्त नहीं, यही हमारा डिनर था।
नहीं मैं तो उन्हें होर भी खाऊंगा, मैं तो उन्हें बर्गर भी बना लग गया। खाना किसे ने बोल दो। नहीं थैंक यू। कैसा लगा पास्ता? सच सच बता दे। यम्मी है। कैमरा मैंने बंद कर दिया है। अरे मेरे को फोन से क्या लेना देना, चाकू की नोक पे हमें पूछेगा है, पर अच्छा है बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। गाय स्वाति की अब वाली जो पास्ता है वो अब ना चीजी है, सिर्फ सूपी अब वो नहीं रहा, क्योंकि इसने थोड़ी देर रख के दोबारा वाला इसने खाया है। पहले वाला इसका सूपी होगा, थोड़ी सी उसमें लिक्विड सॉस थी ना, अब इसमें अब नहीं है क्योंकि गाढ़ी हो जाती है पड़ी पड़ी। पर सब्जियां का फ्लेवर हजे भी मुंह जा रहे हैं। स्वाद लग गया। सबसे ज्यादा इसमें टेस्टी चीज पता है क्या थी? हर्ब्स एंड गार्लिक वाला बटर। वैसे अगर जिसके पास में भी हर्ब्स एंड गार्लिक वाला बटर नहीं है, वो ओरिगेनो थोड़ा इसमें ज्यादा डाल लो, गार्लिक थोड़ा सा ज्यादा डाल लो, बस आपका नॉर्मल वाला बटर भी वही बन जाएगा। और ना ये इजी लाइफ वाला ओरिगेनो। और ना दीदी ना बड़ी देर से ना कुछ बोलना चाह रही है बेचारी, मैं बोल दे रहा हूँ बीच में। नहीं बोलो। नहीं क्यों नहीं, तू बोल, तेन बोलना, तेन बोलना पड़ेगा। दीदी ने भी मेरे लिए चाय बनाई, अपने लिए भी, अपनी ज्यादा मेरी कम। बोल कुछ। इतनी पीता अपने वीडियो में, बस बेचारा बनने की कोशिश करता है। अब अभी एक वीडियो गई जिसमें इसकी बैट बजाई है, एक और वीडियो डालूंगी जिससे दोबारा बैट बजाऊंगी, तो मैं तंग करूंगी। दोबारा क्यों बजाएगी? एक बार तेरा पेट नहीं भरा? नहीं तो मुझे तंग कर, तो मैं तेरे पंगे नहीं लेना किसी वीडियो च। नहीं मैं लेने नहीं। गाइस बहुत टेस्टी है, तू बदला लेती है। थैंक यू सो मच। आज भाई के 40,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हां हां, और थोड़ा प्यार कराओ यार, जल्दी जल्दी करो यार, 1 लाख तक करवा दो यार। सिल्वर प्ले बटन आने दो मिस्टर बगा किचन के नाम का। इतनी मेहनत, इतनी कंजूसियां क्यों करते हो? सब्सक्राइब करने में कौन सा ये लगता है, पैसे लगते हैं, कर दिया करो लाइक, कर दिया करो सब्सक्राइब, शेयर भी कर दिया करो। ये बोलना चाहते थे। कर देंगे कर देंगे। शेयर करो यार अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, सबको एक बार शेयर तो करके देखो, पसंद आएगी रेसिपीज। व्हाट्सएप पे करो शेयर। ये ना मजे लेके खाली एकदम खा रही है, इसे कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से, बड़ा एकदम टेस्ट एकदम लेके खा रही है। नहीं इसे मैंने पहली बार ऐसे देखा, ये देखी। अरे यार वीडियो चालू है, बंद कर दो तुम। अब बंद करती है। मम्मा किन्ने और खाने? तू खाना है? ओके। वाओ स्पैटुला आज यूज कर रही हो। स्पैटुला नहीं होता, स्पैटुला। ओए ओए जो भी स्पेशल है यूज कर रही हो। गाइस हमारा चलता रहता है, आप लोग सीरियस मत हुआ करो, मतलब जानबूझ के इसकी, मतलब मैं इसको, मतलब क्या जानबूझ के, पता कितना है मेरे सुनो, कुछ नहीं होता। कढ़ाई ना यहीं पे रख दे, मैं वॉश कर दूंगा, अलग रख दे, ये मैं खुद ही वॉश करता हूँ। नहीं नहीं मेरी वाली मैं आप कर दावा ना, स्क्रैच आए अंदर, आंटी भी रगड़ देगी तुम्हारा। हाँ मेरे वाले के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, जो मम्मी बार बार हटा देती है यहाँ से, मच्छरदानी वाला। ठीक है खाओ फिर। अब ये तीसरी बार तो मेरा भी हो गया, मैं एक ही बार खा ली है, मैं उन बर्गर खाऊंगा। ओके okay.